तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो दोस्तों, ट्रिप गोकू के पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे गोकू की एनर्जी मल्टीवर्स को तबाह करने जा रही होती है और कैसे गोकू के दोस्त लोग अपनी एनर्जी से गोकू की एनर्जी को रोक रहे होते हैं, मगर विगोरोस बीच में आकर सब खराब कर देता है। इसके बाद गोकू को गॉड आकर याद दिलाता है कि भाई तू क्या कर रहा है, अब तू ही तो है सबसे पावरफुल, चल खत्म कर इसे। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो बोलता है, तुम्हारा गार्ड तो गया, अब तुम बचे हो। विगोरस कहता है, मैं जान गया हूँ कि तुम अब कितने ज्यादा स्ट्रोंग हो गए हो और अब तुम मुझे मार दोगे, मगर मुझे एक बात जाननी है कि तुम हाई टेबल तक कैसे पहुंच गए। गोकू कहता है, क्या कहा तुमने? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्ही ने तो मुझे मार कर उनके पास भेज दिया था। विगोरस कहता है, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया। तभी वहां पर वो गॉड आ जाता है और बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो गोकू? गोकू कहता है, क्या हुआ अब, क्या किया मैंने? गॉड बोलता है, तुमने इसे अभी तक खत्म क्यों नहीं किया? क्यों तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो? विगोरस बोलता है, हाई टेबल का मैनेजर खुद यहाँ पर आया है। गॉड बोलता है, तुम्हें ऑर्डर मिला है गोकू, चलो अपना काम खत्म करो। गोकू कहता है, ओके मैं करता हूँ। तभी विगोरस बोलता है, ये तुम्हें बस फंसा रहा है गोकू, और कुछ नहीं, ये लोग तुमसे वो काम करवाना चाहते हैं जिन्हें करके ये अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहते हैं। गॉड कहता है, देख क्या रहे हो, मारो इसे, भूल गए कि क्या डील हुई थी? विगोरस बोलता है, ये लोग तो मुझसे भी ज्यादा बुरे हैं, इन्हें वो शख्स पसंद नहीं जो इनके मुताबिक ना चलता हो, और उनमें से एक मैं भी हूँ। गॉड कहता है, वो झूठ बोल रहा है, उसकी मत सुनो और खत्म करो उसे। विगोरस कहता है, आज तुम मुझे खत्म कर रहे हो, कल ये लोग किसी और को वो ऑर्डर देंगे और वो तुम्हें खत्म कर रहा होगा। तभी वो गॉड कहता है, अब भी अगर तुमने इसे नहीं मारा तो मैं तुम्हें वापस वहीं पर कैद कर दूंगा। और तभी गोकू अपनी एनर्जी का यूज करता है और वो उसे मार देता है। गॉड कहता है, बहुत बढ़िया, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो गॉड वहां से चला जाता है। गोकू अब सोच में पड़ जाता है और वो विगोरस की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे अब गोकू और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और अब नथिंग और मॉडरेटर जैसे लोग भी गोकू के सामने कुछ भी नहीं है। मॉडरेटर बोलता है, उसने कर दिया, उसने विगोरस को मार डाला। नथिंग अब खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में उसने उसे मार दिया? मॉडरेटर कहता है, हाँ उसने उसे मार दिया। वजीटा कहता है, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, मॉडरेटर कैकरोट इस वक्त कहाँ पर है? मॉडरेटर कहता है, पता नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनोसामा आपने हमारी मदद करी, उसके लिए शुक्रिया, मगर आपको भी यहाँ से जाना चाहिए, पैलेस में इस वक्त वहाँ कोई नहीं है। जैनो कहता है, ठीक है डाई, मैं चलता हूँ, गोकू आए तो मुझसे मिलने के लिए उसे जरूर भेज देना। और अब जैनो वहां से गार्ड्स के साथ चले जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मेरे बच्चों, आप सभी ने अपना काम बखूबी निभाया और मैं आज तुम पर गर्व करता हूँ कि तुम सभी मेरे बच्चे हो। अब यहाँ पर सब ठीक हो चुका है, इसलिए अब तुम सभी अपने काम पर लग सकते हो। इसके बाद वजीटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, डिस्ट्रॉयर की टीम ने भी हमारी कितनी मदद करी है, इसलिए उनका भी शुक्रिया हमें करना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ पर मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छा काम कर पाओगे। वजीटा कहता है, तो ठीक है, मेरे जितने भी गॉड साथियों ने यहाँ पर अपनी एनर्जी से मेरी मदद की, उन सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बिना हम उस एनर्जी को स्लो नहीं कर पाते, इसलिए आपका सच्चे दिल से शुक्रिया। अब आप लोग भी अपना काम कर सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट वजीटा से कहते हैं, वजीटा मैं भी चलता हूँ,
कल मुझे और भी बहुत काम करने हैं, वजीटा कहता है। जी आप भी जाइए। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस भी वहां से चले जाते हैं। नथिंग मॉडरेटर से कहता है, अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना। मॉडरेटर कहता है, हाँ मेरा बदला पूरा हुआ, मगर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि विगोरस मारा गया। इसके बाद गोकू वहां पर पहुंच जाता है और कहता है, यकीन कर लो कि वो अब यहाँ पर नहीं है, उसकी मौत मेरे हाथों से हुई है और अब तुम्हारी बारी है मरने की। तभी वेजिटा कहता है, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया केकरोन, तुम उसे क्यों मारना चाहते हो, मॉडरेटर ने तो हमारी मदद करी है। गोकू स्माइल करके कहता है, ओ तो पहले बताना चाहिए था ना कि मॉडरेटर हमारी साइड है, क्योंकि मैं तो बाहर था ना, मुझे कैसे पता होगा कि तुमने टीम अप कर लिया है। वजीटा कहता है, ठीक है अब बताओ क्या तुमने सच में विगोरस को मार दिया। गोकू कहता है, क्यों तुम्हें मुझ पर शक है क्या। वजीटा कहता है, खतरा तो महसूस नहीं हो रहा है, तो पक्का ही तुमने उसे मार दिया होगा। नथिंग कहता है, वजीटा मेरा काम अब खत्म हुआ, इसलिए मुझे अब चलना चाहिए। वजीटा कहता है, मगर नथिंग थोड़ी देर तो हमारी दुनिया में रुको, तुम रोज रोज तो यहाँ नहीं आते हो। नथिंग कहता है, मेरा यहाँ रहना सही नहीं है वजीटा, हम सभी को अपने अपने डायमेंशन दिए गए हैं तो हमें वहीं रहना होगा। मॉडरेटर कहता है, नथिंग ठीक कह रहा है, हम सभी को अपने डायमेंशन में ही रहना पड़ता है, हम अगर ज्यादा दिनों के लिए बाहर रहे तो ये भी रूल्स के खिलाफ ही होगा। गोकू पूछता है, ये कौन से रूल्स हैं। तभी नथिंग गोकू को समझाता है, हम जैसे बींग को डायमेंशन इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम उन्हीं में रह सकें और दूसरों को परेशान ना करें, और जितनी ज्यादा पावर्स हमारे पास होगी या हम जितने ताकतवर होंगे हमारा बाहर आने का समय उतना ही कम होगा। गोकू पूछता है, और अगर तुम ये रूल्स ब्रेक कर देते हो तो तब क्या होगा। नथिंग कहता है, तब हमें मार दिया जाएगा, लेकिन हमारे पास ये भी छूट है कि हम अपने डायमेंशन में रहकर भी बाहर किसी की हेल्प कर सकते हैं या फिर किसी को खत्म कर सकते हैं। वजीटा कहता है, ओ इसका मतलब शुरुआत में तुम सब चीज अपने डायमेंशन में ही कर रहे थे। नथिंग कहता है, सही पहचाना तुमने। मॉडरेटर कहता है, तो ठीक है हम लोग अब चलते हैं। और अब नथिंग और मॉडरेटर वहां से चले जाते हैं। वजीटा कहता है, केकरोट क्या तुम ठीक हो। गोकू पूछता है, क्यों क्या हुआ वजीटा, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। वजीटा बोलता है, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हें कितने दिन हो गए घर ना गए हुए, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेगी। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट डे गोकू अब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है और कहता है, अब थोड़ा आराम मिला मुझे, वरना मैं तो घूम घूम कर परेशान ही हो गया था। और इतने में गोकू के सामने गैस आ जाता है, जिसे देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, गैस यहाँ पर कैसे। गैस कहता है, कैसे हो गोकू। गोकू अब सीरियस हो जाता है और बोलता है, तुम वापस कैसे आए गैस। गैस कहता है, हम सभी वापस रिवाइव हुए हैं गोकू। गोकू बोलता है, रिवाइव हुए हो और हम सभी से तुम्हारा क्या मतलब है, और कौन रिवाइव हुआ है तुम्हारे साथ। गैस कहता है, मैं फ्रीजा मोर फू और सेल भी हुआ था, मगर सेल को गोहान ने मार दिया। गोकू कहता है, और अब मैं तुम लोगों को मार दूंगा। गैस कहता है, रुक जाओ गोकू, मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। गोकू पूछता है, अच्छा तुम लड़ने नहीं आए हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। गैस कहता है, ये सच है, मैं सच में लड़ने नहीं आया हूँ, और वजीटा हम सबके बारे में भी जानता है। गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या सच में वो तुम लोगों के बारे में जानता है। गैस बोलता है, हम सभी ने सोचा है कि हम आखिर कब तक लड़ते रहेंगे, क्यों ना हम सब एक हो जाएं और आपस में दोस्ती कर लें। गोकू कहता है, दोस्ती और तुम लोगों से हरगिज नहीं, मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम लोग पीठ में चुरा घोपने वाली पार्टी हो, इसलिए तुम सभी को वापस से मरना होगा। गैस कहता है, नहीं रुको गोकू, मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि हमने जो काम किए हैं
उसके लिए तुम हमें कभी भी माफ नहीं करोगे, और इसी वजह से सभी तुमसे डरे हुए हैं। उन्हें पता था कि तुम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए तो उन्होंने मुझे भेजा था। गोकू कहता है, और मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं, जरा बताओगे? गैस कहता है, मैं बस तुमसे यहाँ पर एक चांस मांगने आया हूँ। गोकू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेता हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे यहाँ पर बात करी, लेकिन मैं बाकियों की कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे उन पर 1% भी विश्वास नहीं है। गैस कहता है, वो भी आ सकते थे, मगर उन्हें ये लगता है कि तुम उन्हें मार दोगे, इसलिए वो यहाँ नहीं आए। गोकू कहता है, अच्छा तो तुम अब उन्हें ये यकीन दिलाओ कि मैं उन्हें नहीं मारूंगा और तुम उन्हें यहाँ पर भेज दो। गैस कहता है, ऐसी बात है तो मैं उन्हें तुम्हारे पास जरूर भेजूंगा, अभी मैं चलता हूँ। अब गैस वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, ले आओ गैस उन सभी को, फिर मैं सभी को एक साथ खत्म कर दूंगा। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर, और वो विश से कहता है, विश जाओ और वजीटा को यहाँ ले आओ। विश कहता है, मैं समझ गया फादर, आप क्या करने वाले हो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तो देरी क्यों कर रहे हो।